हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर, यानी TEE पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हमारी हिंदी की क्लास होती है, ठीक है, जो कि रात 8 बजे होती है, और शाम 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, और शाम 4 बजे कला वर्ग की क्लास होती है, और सुबह 10 बजे सामान्य ज्ञान की, ठीक है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लास ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए, ठीक है। एग्जाम में कम कम ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी क्लास ज्वाइन करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके, ठीक है। और जिन लोगों ने भी अभी तक ये मॉडल पेपर नहीं लिए हैं, तो वो जल्दी से ले लीजिए, और इसे डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हमारी तैयारी और अच्छी होती है। तो इसके लिए आपको नीचे लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी ले लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए हम आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, जो इसके और क्वेश्चन थे वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, और बाकी क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मुहावरे बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 में, दूध का दूध पानी का पानी में कौन सा मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गलत न्याय, ऑप्शन बी दूध और पानी अलग अलग होना, ऑप्शन सी सही न्याय, और ऑप्शन डी दूध में पानी मिला होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करिए। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही न्याय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, दांत पीसना, ऑप्शन ए अत्यधिक क्रोध करना, ऑप्शन बी अत्यधिक प्रसन्न होना, ऑप्शन सी अत्यधिक निराश होना, और ऑप्शन डी है अत्यधिक निडर होना। तो क्वेश्चन नंबर 77 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको सभी क्लासेस की PDF मिलती रहेगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 78-79 में दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों, उसके अनुरूप अक्षर वाले वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले अक्षर के विकल्प को चुने, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाक्य दिया गया है, मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तो इसमें ऑप्शन ए मैंने शीला से, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, या फिर ऑप्शन डी लेकिन उसने मना कर दिया। तो उसमें कहाँ पे त्रुटि है वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78 में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, 79, पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका, मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया। तो इसमें ऑप्शन ए पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका, और ऑप्शन डी है मैं उस प्रश्न को हल कर लिया। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर कीजिए आप लोग। हमारा इसमें हमारे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 79 में इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, मैं उस प्रश्न को हल कर लिया। यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ पे ये होगा कि मैंने उस प्रश्न को हल कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80-81 में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 80, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो ही फिर यहाँ पे रिक्त स्थान हो सकता है। ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी जटिल, और ऑप्शन डी दुर्गम। तो यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान में? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कीजिए आप लोग, और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हमारे क्लास से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या असाध्य हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई फिर रिक्त स्थान नहीं है। ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी भ्रम, ऑप्शन सी दुविधा, और ऑप्शन डी असत्य। क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, इस बात में कोई संदेह नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 82, गांठ में बांधना का अर्थ है, ऑप्शन ए खूब याद करना, ऑप्शन बी कसकर बांधना, ऑप्शन सी बगल में बैठना, या फिर ऑप्शन डी मजबूत करना। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा। गांठ में बांधना का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खूब याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है, ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, और ऑप्शन डी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 83 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन ए जिसका पूर्व पद प्रधान हो, ऑप्शन बी जिसके सभी पद प्रधान हो, ऑप्शन सी जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर कीजिए, द्वंद्व समास कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, तद्भव शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी आमदनी, ऑप्शन सी ऑफिस, या फिर ऑप्शन डी अनमोल। क्वेश्चन नंबर 85 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तद्भव शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, अनमोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, समास, अलंकार और पर्यायवाची, ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और हमारे डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ की तैयारी और भी बेहतर हो सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, ऑप्शन ए अनिल समीर, ऑप्शन बी खग बिहग, ऑप्शन सी है अनाथ सनाथ, और ऑप्शन डी तन काया। तो क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनाथ सनाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अच्छी, ऑप्शन सी बाजी, और ऑप्शन डी तुरंग। क्वेश्चन नंबर 87 का कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अच्छी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88-89, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर आपको शुद्ध लिखा शुद्ध लिखा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवियत्री, और ऑप्शन डी है कवियत्री। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर कीजिए आप लोग, इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये सही लिखा है। ठीक है, 89 में ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी अंतर्धान, ऑप्शन सी अंतर्ध्यान, या फिर ऑप्शन डी है अंतः ध्यान। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्धान। ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 90-91, प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से तीन के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए फिर रिक्त स्थान है, ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी अभिशाप, ऑप्शन सी परिताप, और ऑप्शन डी पश्चाताप। तो क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभिशाप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, मित्र के चुनाव की फिर रिक्त स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, ऑप्शन ए औपचारिकता, ऑप्शन बी उपयुक्तता, ऑप्शन सी उपयोगिता, और ऑप्शन डी सार्थकता। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर करिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, और उन लोगों की भी ताकि तैयारी अच्छी हो सके, और आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं अभी, तो वो जल्दी से ले लें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
सार्थकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, संबंध कारक का चिन्ह है, ऑप्शन ए में पर, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी रा रे री, ऑप्शन डी से। क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रा रे री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, जो स्त्री के वशीभूत हो, ऑप्शन ए स्त्रीदास, ऑप्शन बी गुलाम, ऑप्शन सी स्त्रैण और ऑप्शन डी प्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 93 का कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्त्रैण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय या फिर ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी केशवदास या फिर ऑप्शन डी सूरदास। तो आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 95 का, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन ए मुझसे बैठा नहीं जाता, ऑप्शन बी राम से खाया नहीं जाता, ऑप्शन सी मुझसे ए बोझ उठाया ना जाएगा ये फिर ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुझसे ए बोझ उठाया ना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के फिर रिक्त स्थान हैं, ऑप्शन ए निशान, ऑप्शन बी प्रतिनिधि, ऑप्शन सी प्रतीक या फिर ऑप्शन डी गोहतक। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 में? क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर? ऑप्शन ए मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, ऑप्शन बी मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, ऑप्शन सी ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते या फिर ऑप्शन डी है कठिन काम शुरू करने पर कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आंसर करिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100, लोटा शब्द है, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज और ऑप्शन डी विदेशज। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लोटा कैसा शब्द है? तो ये हमारा देशज शब्द है। ठीक है, तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, ऐसे ही हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेक्टर आते रहेंगे, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और प्रैक्टिस से जल्दी ले लीजिए और उन्हें लगातार डेली एक एक प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके, जितना प्रैक्टिस करोगे अभी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।